दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो कंफ्यूजन था, और पिछले 4-5 दिन में केजरीवाल सरकार ने जो माहौल बनाया था अफसरों को धमकी देने का, ताले तोड़ने का, अपनी खुद की भ्रष्टाचार की फाइलों को चुराने का, नष्ट करने का, उसके बाद इस प्रकार का एक निर्णय बहुत आवश्यक था। दिल्ली की जनता इस प्रकार के निर्णय का इंतजार कर रही थी, और मैं इस वक्त आज प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो था, उसको इस नए ऑर्डिनेंस के द्वारा दूर किया गया है। जिन भी लोगों को दिल्ली की जनता की सेवा करनी है, वो इस नए कानून का स्वागत करेंगे, और जिनको लूटना था, अफसरों को धमकाना था, भय का वातावरण पैदा करना था अधिकारियों के बीच में, वो इसका विरोध करेंगे। आज हमने पूरे दिन जो तमाशा केजरीवाल के मंत्रियों ने किया, करना धरना कुछ नहीं, बस धरना करना है, ये दिल्ली इस प्रकार से राजधानी नहीं चल सकती है, और इसीलिए भारत की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, और मुझे ये लगता है कि केजरीवाल सरकार को अब इस निर्णय को स्वीकार करते हुए दिल्ली की जनता के लिए जो काम उनको दिए गए हैं, उन कामों पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो कन्फ्यूजन था, और पिछले 4-5 दिन में केजरीवाल सरकार ने जो माहौल बनाया था अफसरों को धमकी देने का, ताले तोड़ने का, अपनी खुद की भ्रष्टाचार की फाइलों को चुराने का, नष्ट करने का, उसके बाद इस प्रकार का एक निर्णय बहुत आवश्यक था। दिल्ली की जनता इस प्रकार के निर्णय का इंतजार कर रही थी, और मैं इस वक्त आज प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो था, उसको इस नए ऑर्डिनेंस के द्वारा दूर किया गया है। जिन भी लोगों को दिल्ली की जनता की सेवा करनी है, वो इस नए कानून का स्वागत करेंगे, और जिनको लूटना था, अफसरों को धमकाना था, भय का वातावरण पैदा करना था अधिकारियों के बीच में, वो इसका विरोध करेंगे। आज हमने पूरे दिन जो तमाशा केजरीवाल के मंत्रियों ने किया, करना धरना कुछ नहीं, बस धरना करना है, ये दिल्ली इस प्रकार से राजधानी नहीं चल सकती है, और इसीलिए भारत की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, और मुझे ये लगता है कि केजरीवाल सरकार को अब इस निर्णय को स्वीकार करते हुए दिल्ली की जनता के लिए जो काम उनको दिए गए हैं, उन कामों पर ध्यान देना चाहिए।